आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इससे सस्ता क्रूज एक्सपीरियंस वाला लॉन्च नहीं मिलेगा। ये पानी के ऊपर तैरता हुआ 5-star होटल की तरह होता है। इसके लिए भाई आपको पे करने होंगे 6,000-7,000 टका। तो यहाँ पे जी आज हम देखेंगे इंडियन जो कि बांग्लादेश में आए हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशी टाइटैनिक पे वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो बांग्लादेश में आके उन्होंने जब बांग्लादेश के ये क्रूज शिप्स देखे हैं, इतने खूबसूरत किस्म के शिप्स, इससे पहले भी मैं वीडियोस देख चुकी हूँ, अभी देखेंगे इनका क्या रिएक्शन है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग किस्म का इनका रिएक्शन है और इन्होंने बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्स जो हैं बांग्लादेश को दिए हैं। और कितने बड़े लग्जूरियस किस्म के क्रूज शिप्स हैं ये, इन्होंने बहुत अहम किस्म की चीज़ें जो हैं शेयर की हैं और बांग्लादेश को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। अब यहाँ ऑलरेडी जब इंडिया आउट कम्पेन चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी से भी इनका इंटरेक्शन हुआ है। लेट्स सी बांग्लादेशियों ने क्या कहा है और ये क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले, मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश। Oh my God! Wow! तो ये है भाई यहाँ का सबसे निचला डेक। लॉन्च इसे क्यों बोला जाता है, ये तो शिप्स है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इससे सस्ता क्रूज एक्सपीरियंस वाला लॉन्च नहीं मिलेगा। ये पानी के ऊपर तैरता हुआ 5-star होटल की तरह होता है। इसके लिए भाई आपको पे करने होंगे 6,000-7,000 टका। Nice. आज हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर में जिसे नदियों का शहर या फिर इंग्लिश में बोले तो वैनिश ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। तो मेरा नाम है सुमित कुमार। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सदर घाट ढाका से एक नई जर्नी जो कि बरिशाल शहर को जाएगी। और भाई दोपहर के इंडियन टाइम के हिसाब से 3:11 हो गए हैं और यहाँ के टाइम के हिसाब से यार 3:41 हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं सदर घाट लॉन्च की ओर, जो कि सीधा आगे जाने पे पड़ता है। हमारे आगे सदर घाट लॉन्च टर्मिनल है, वहाँ पे चलते हैं और टिकट लेते हैं टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश का। ये देखो भाई लॉन्च टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और ये है यार बड़े बड़े लॉन्च जिसे हम लोग शिप भी बोलते हैं। और खतरनाक वाला व्यू है भाई इधर। इन्हीं में से एक लॉन्च पे यानी कि शिप पे हम लोग जाने वाले हैं। ये देखो इसे रस्सी से बांधा गया है यहाँ, ये देखो भाई मोटी रस्सी से इसे डेक पे बांधा गया है। शिप डेक पे हम लोग घूम रहे हैं और काफी खतरनाक वाला व्यू है भाई, मतलब बहुत सारी एक के बाद एक शिप लगी हुई है। और यहाँ पे बांग्लादेश में शिप को लॉन्च बोला जाता है। और मेरे साथ ये छोटू भाई है। कौन सा शिप सबसे अच्छा है यहाँ पे अभी? सुंदरबन सोलो। अच्छा, तो सुंदरबन सोलो क्यों अच्छा है? अच्छा, बांग्लादेश में नदियों के सहारे हम लोग अगर घूमेंगे तो कैसा मजा आता है वो सब देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। ये मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो ना लॉन्च, इस तरह की कभी बहुत सारी लॉन्चें हैं। देखिए इधर भी बहुत सारा लॉन्च है। तो मैं सोच रहा था यार कि सभी बरिशाल जा रहा है, बट नहीं, यहाँ से यहाँ की जो बूढ़ी गंगा है यहाँ से बहुत सारी नदियों पे बहुत सारे शहर में छोटे छोटे जाते हैं। तो कोई कहीं और जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। तो अभी हमें बरिशाल वाला लेना होगा ताकि हम लोग बरिशाल जा सके। देखो भाई ये लोग कुछ गिम्बल के साथ जो है शूट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, और इन सब बड़े बड़े लॉन्च का इन लोग शूट कर रहे हैं। दादा क्या हो रहा है ये? हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं लॉन्च का यहाँ का लोगों का। अच्छा, ये लॉन्च इसे क्यों बोला जाता है, ये तो शिप्स है। एक्चुअली इन बंगाल
बंगाल वर्ड वी यूज लॉन्च। शिप को बंगाल में लॉन्च बोला जाता है। और ये कहाँ कहाँ जाती है ये सब लॉन्च? सब अलग अलग जगह जाती है। आपका नाम भाई क्या है? नाम सबिन है। सबिन, नाइस टू मीट यू। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इससे सस्ता क्रूज एक्सपीरियंस वाला लॉन्च नहीं मिलेगा। ये चलता फिरता पानी के ऊपर तैरता हुआ फाइव स्टार होटल की तरह होता है। ओवरनाइट जर्नी होती है, अभी रात को खुलेगा और सुबह पहुंच जाता है अलग अलग शहरों में। तो अगर आपको इस तरह का फील लेना है तो आप आओ बांग्लादेश में। ये भाई प्रभात 1818 और ये बड़ी शिप है और इसे लॉन्च बोलते हैं यहाँ पे। तो लॉन्च की सवारी अभी मैं करने वाला हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यार क्या फैसिलिटीज है। और ये फोर फ्लोर का है तो टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश कैसा है अंदर से वो देखते हैं अंदर जाके। ये देखो भाई ऐसा है, बाहर से अंदर घुसते ही इस तरह के कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं। इस बोट को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिया हुआ है। और यहाँ होटल चेक इन जो अंदर में आप केबिन लेते हो ना, प्रीमियम केबिन, डिलक्स केबिन, वो सारे भाई लोग ये कर रहे हैं। बुकिंग्स वगैरह, बुकिंग ओके। क्या क्या मिलता है इधर, मतलब डिलक्स रूम? डिलक्स रूम, सिंगल रूम, डबल रूम, वीआईपी, फैमिली। फेयर फेयर सिंगल 1000, डबल 2000, डिलक्स 1200, फैमिली 4000, वीआईपी हलो 5000, 6000, 8000, 2000। ओके। तो भाई इन्होंने जो भी प्राइसिंग बताई है वो सब बांग्लादेशी टाका में बताई। नीचे अगर आपको कॉमन सस्ता में ट्रेवल करना है तो वो जनरल कंपार्टमेंट है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, जिसका 200-300 टाका। ओके, थैंक यू। आपका नाम की? और ये देखिए भाई सभी रूम्स की कीज है इन्होंने सजा के रखी है। जो भी रूम चाहिए आपको, जिस कैटेगरी की चाहिए वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे यहाँ के बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ लोग हैं, इनके साथ भी थोड़ा सा देखते हैं अंदर में कैसा रहता है। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कितना खूबसूरत दिखता है ये सब, है ना। ऊपर डेक पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ऐसी सीढ़ी है एकदम खतरनाक वाली, जबरदस्त फीलिंग देती है। ये आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है। और यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको ये देखिए कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ ये लाइटिंग का है, मतलब अगर दूर से शिप आती है ना तो इसको इससे लाइट से रास्ता दिखाया जाता है ताकि यहाँ सामने कोई शिप है हमारे। तो चलिए अभी चलते हैं, ये पहला फ्लोर है, इस पे है हमारा बिजनेस क्लास। तो भाई चलिए आपको मैं यहाँ का बिजनेस क्लास सबसे लग्जूरियस जो अंदर में रूम वगैरह है ना सब वो दिखाते हैं। देखो इस तरह की टेबल्स बनी हुई है रॉयल, एकदम खाने के लिए आपको सोफा बना हुआ है भाई बैठने के लिए रॉयल। ओ ये देखो भाई ये तीन जन आ सकते हैं इस पूरे केबिन में, तो तीन जन के लिए है, एक सिंगल इधर और दो लोग इधर आएंगे। फैन लगा है, एसी लगा है और इधर प्राइवेट बालकनी दी हुई है और इधर चार्जिंग के लिए भी स्लॉट दिया हुआ है भाई, चार्ज भी कर सकते हो। ये भी थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें दो लोग आएंगे, तीन वाला था ये दो वाला है। और इसमें भी उसी तरह की कुछ कुछ फैसिलिटीज दी हुई है, ये बड़ा सा टीवी दिया हुआ है भाई, रॉयल फीलिंग आता है कि आप एक महाराजा की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है। और ये एक टाइटैनिक का पूरा पूरा एकदम लग रहा है कि टाइटैनिक के अंदर हम लोग की स्वीट रूम में आ गए हैं। इंडिया से अगर आप देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, आप आओ बांग्लादेश में। और ये ढाका में सदर घाट एरिया में पड़ता है। इसके लिए भाई आपको पे करने होंगे 6-7 हजार टका, इंडियन रुपीज में देखो तो 4,500-5,000 रुपये ऐसे हो जाता है। तो सही है यार, इधर आप आओगे ना डाइनिंग एरियाज है भाई, तो कुछ खाना खाना हो आपको ना तो आप यहाँ पे खा सकते हो। और खाने से मन उब जाए तो बैठ के सोफा पे फील बढ़िया कर सकते हो, एकदम राजा महाराजाओं की तरह। फैमिली अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो सबके लिए एक सेपरेट केबिन है, पूरा लग्जरियस केबिन है भाई। मैंने ले लिया है डिलक्स क्योंकि साइड व्यू बहुत अच्छा है, तो पूरी नदी को रात के रात में मतलब लगेगा कि टाइटैनिक चल रही है नदी पे और मैं उस पर ट्रैवल करके एंजॉय कर रहा हूँ। तो व्यू तो देखना था इसलिए मैं आ गया हूँ, डिलक्स मैंने लिया। इसके लिए मैंने पे किए हैं 1200 बांग्लादेशी टाका, 30-30 भी यही वाला रूम है। चलिए खोल के देखते हैं कि आखिर कैसा है भीतर से रूम। तो ये खुल गया और ये देखो भाई कुछ ऐसा है भीतर से व्यू, और फॉल्स सीलिंग है ये, मिरर है,
यहाँ मैंने पहले से ही बैग लाके रख दिया था और रात को मैं इसी पे सोऊंगा आज, और रात में ये सिर्फ चलता रहेगा, लाइक फील देगा एकदम टाइटैनिक का, तो मजा भी आएगा और रात को डिनर भी एंजॉय करेंगे। और एकदम रूम जैसे ही खुलेगा भाई, खुला समंदर की तरह दिखेगा ये नदी। तो चलिए चलते हैं सबसे टॉप डेक पे, और ऊपर से जो व्यू आएगा वो भी कमाल का होगा। ये देखो कॉफी हाउस भी है ऊपर में, और ऐसा है भाई कुछ ऊपर से व्यू, मजा आ रहा है यार। लाइफ में जो मैंने टीवी में देखा था, सिनेमा में देखा था, वो रियल में महसूस कर पा रहा हूँ। तो चलिए सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। और ये सामने एक होटल है, तो चलिए भाई अभी बाहर चलते हैं क्योंकि ये 9 बजे रात में खुलेगी, और अभी अब काफी टाइम है, अभी इंडियन टाइम से 5:05 हो रहे हैं और बांग्लादेशी टाइम से 5:35। तो भाई ये भाई मुझे मिले हैं, इस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई से पूछते हैं कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तुषार। तुषार कहाँ रहते हो आप? मैं तो बरिशाल रहता है। बरिशाल कहाँ जा रहे हो? बरिशाल। बरिशाल जा रहा है। अच्छा, आपका हिंदी इतना अच्छा कैसे है? तीन चार कंट्री घूमा। इंडिया गया, दुबई गया। अच्छा गया। अच्छा, सऊदी अरब। हाँ। दुबई भी गया। एक बात बताओ मुझे, इसमें जैसे कि लाइफ जैकेट कितने हैं? ये तो एक है, एक में आप 3-4 आदमी रह सकते हैं। तो जैसे मान लो पानी किसी रंग से गड़बड़ होने लगा, जैसे टाइटैनिक के बारे में पता है आपको? तो लाइफ जैकेट तो होना चाहिए भाई। इतना बड़ा समंदर नहीं है। अच्छा, तो बहुत दूर है, बहुत दूर चल रहा है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे शिप में ट्रैवल कर रहा हूँ, लाइक फीलिंग लाइक टाइटैनिक। ये वीडियो आप लोगों ने देखी, यहाँ पे जी इन्होंने इसका टूर किया है और इस पे बकायदा ट्रैवल किया है, और बहुत ही मुझे अच्छा लग गया देख के। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और बिल्कुल आपको यहाँ पे आके टाइटैनिक वाली ही फीलिंग आएगी। और जैसे इसमें उन्होंने कहा कि लाइक आपको टाइटैनिक वाली ही फील आने वाली है यहाँ पे ट्रैवल करके। इसके अंदर जो लाइक स्पेशल रूम्स बने हुए हैं, बहुत ही लग्जूरियस और बहुत प्यारे, आपको ऐसे लगेगा यार आप किसी 7-स्टार होटल के अंदर एंटर हो गए हैं। और इतने ज़्यादा फेयर्स भी नहीं हैं, फेयर्स भी बहुत मुनासिब है, और आप इजीली इंजॉय करते हुए एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग, आई लव इट। और मुझे ये अच्छा लगा कि इंडियन जो है, बकायदा उसने इंडियंस को ये रिक्वेस्ट की है कि आप बांग्लादेश आएँ और यहाँ पे आके इंजॉय करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ अमेजिंग, आई लव इट। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, लव, पीस, बाय।